खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी है, खबर वो जो निकल कर सामने आती है। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, जिसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है, खबर वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है, खबर वो नहीं जो केवल सनसनी फैलाती है। सच्चे और सही रास्ते से गुजर कर जो लाए सही पहचान, यही है नया दर्शन की पहचान। ना चली दिग्विजय की और ना ही सिंधिया की, सब पर भारी पड़े कमलनाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन की इस खास पेशकश में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद विभाग के बीच बंटवारों को लेकर जारी विवाद और गुटबाजी पर विराम लगाते हुए सीएम कमलनाथ ने मंत्रालय का बंटवारा कर दिया है। उन्होंने उद्योग नीति, निवेश, विज्ञान और तकनीकी जैसे मंत्रालय खुद के पास रखे हैं, जबकि बाला बच्चन को गृह विभाग का मंत्री बनाया है। वहीं जीतू पटवारी को उच्च शिक्षा, खेल और युवक कल्याण विभाग की अहम जिम्मेदारी दी गई है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को शहरी प्रशासन और हाउसिंग विभाग का मंत्री बनाया गया है। एक नजर डालते हैं किन मंत्रियों को कौन से विभाग दिए गए हैं। परिवार कल्याण, विजय लक्ष्मी साधो को संस्कृत चिकित्सा शिक्षा विभाग दिया गया है। मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। विंध्य क्षेत्र में एक इकलौते विधायक जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, कमलेश्वर सिंह। कमलेश्वर सिंह को पंचायत एवं ग्रामीण विकास की अहम जिम्मेदारी दी गई है। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रीवा के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र तिवारी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विंध्य में जिस तरह से एक इकलौते मंत्री को पंचायत एवं ग्रामीण विकास की अहम जिम्मेदारी दी गई है, इसी तरह से आपने देखा होगा कि एमपी में विवाद के बीच मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, बाला बच्चन गृह विभाग दिया गया उनको, जबकि सीएम कमलनाथ ने कई अहम विभाग अपने पास रखे हैं। क्या लगता है कि ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है, इससे मंत्री खुश हैं? निश्चित रूप से जिस तरह से मंत्री पद के बंटवारे हुए हैं, मंत्री पद को लेकर उसमें कहीं ना कहीं अभी तो
जो प्राथमिक तौर पर देखने को मिला तो सभी लोग संतुष्ट हैं जी। बिंद को ऐसी जिम्मेदारी दी गई है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री उन्हें बनाया, जो जिसके ये संभावना ही नहीं थी कि ये पद मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पंचायत विभाग। और जहाँ इस बार कांग्रेस सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि पंचायतों को ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए जी, तो ऐसे में ये जो मंत्री पद मिला है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कमलेश्वर पटेल जी को, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। और खासकर बिंद के लिए ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि उनके साथ जो है हो सकता है उन्हें रीवा सतना सिंगरौली जैसे जिलों को प्रभारी मंत्री भी बनाया जा सकता है, तो ऐसे में आने वाले लोकसभा को भी वो देखेंगे जी। बिल्कुल, अगर हम पिछले दौर की बात करें तो मुझे वो वक्त याद आता है जब यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कांग्रेस शासन में कभी अजय सिंह राहुल के हक में हुआ करता था, उनको इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी सीधी जिले के चौराहट विधानसभा से थे, और अब कमलेश्वर पटेल जो कि सीधी जिले के ही सिहावर विधानसभा से जीत कर विधानसभा में पहुंचे हैं और उन्हें पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की अहम जिम्मेदारी दी गई है, यह बताने का प्रयास किया गया है। साथ ही कार्यकर्ताओं को साधने का प्रयास किया गया है कि कांग्रेस सभी को लेकर चलने वाली है, और खास तौर से विंध में भले ही कांग्रेस ने अपनी सीटें गंवा दी हो, यहाँ पर कई उनके विधायक दिग्गज विधायक को हार का सामना करना पड़ा, जिस पर राजेंद्र सिंह, अजय सिंह राहुल समेत अन्य कई ऐसे विधायक हैं जिनको हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन यहाँ पर कमलेश्वर पटेल को एक अहम जिम्मेदारी देकर वो सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह प्रयास किया जा रहा है कि जो पंचायतों के माध्यम से, जिला पंचायतों के माध्यम जो सदस्य हैं उनके तहत गाँव गाँव तक हर जगह वो पहुँचे, और कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, जो कांग्रेस के जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया था, वचन पत्र कह सकते हैं, तो उसे वो वहाँ तक पहुँचाए और बताए, साथ ही पंचायतों के विकास में वो अहम रहा, क्योंकि अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं, लोकसभा अप्रैल में ये चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये बहुत ही बड़ा पद कह सकते हैं बिंदु को मिला है कमलेश्वर पटेल जी को। और इसके अलावा दूसरा जो एक कह सकते हैं विजय लक्ष्मी साधु, जो संस्कृत और चिकित्सा शिक्षा दिया गया है, वो भी मेडिकल अपने यहाँ जैसे श्याम साहब मेडिकल कॉलेज है जी, इसमें पीजी कोर्सेस और भी पीएचडी के भी कोर्सेस के लिए बातें चल रही हैं जैसे, तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये भी है कि हमें संबंध जो हमारे यहाँ के नेता हैं कांग्रेस से, उन्हें विजय लक्ष्मी जी से अच्छे तरीके से उन्हें यहाँ के लिए कहना चाहिए कि और भी कोर्सेज बढ़ाए जाएँ, सीट बढ़ाई जाए, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ज़्यादा हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि जी बिल्कुल। अगर कमलेश्वर की बात करें हम, तो कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं, जिसलिए उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो खास तौर से किसानों से जुड़ा हुआ है, आम व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, जिनकी पकड़ जमीन तक होती है, और वो राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं, खास तौर पे चुनाव में उनका असर होता है। अगर कमलनाथ ने इन मंत्रिमंडल गठन के पहले ही सीएम पद ग्रहण करते ही उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया कर्ज माफी, और कर्ज माफी एक ऐसा फैसला था जो खास तौर से किसानों के हिस्से जुड़ा हुआ है, और ये विभाग जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ये विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो इन सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलता है जी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं पंचायत विभाग ही है जो जैसे मनरेगा का कार्य है जी, वृद्धा पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, और कह सकते हैं जनधन, सभी जिस तरह की गांव से जुड़ी हुई एक आम नागरिक को सुविधाएं, तौर पर पहली शुरुआत वहीं से होती है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो ग्रामीण विकास के लिए एक अहम किरदार होता है, कार्य योजनाएं तैयार करवाना, नई तरह से नई नई कार्य योजनाएं लेके आना है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे है। तो अब बहरहाल देखना होगा कि यहाँ पर कमलेश्वर कितने जिम्मेदारी पर खड़े उतरते हैं, वो कमलनाथ की जो मंशा है कि किसानों को पंचायत का विकास हो, हर एक पंचायतों में सर्व सुविधाएं हो, मूलभूत सुविधाएं हो, वहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध हों, ऐसे में एक अहम जिम्मेदारी कमलेश्वर के जिम्मे है कि वो किस तरह से उसको पूरा करें। अगर हम बात करें जैसा कि अभी आपने कहा विजय लक्ष्मी साधो को संस्कृत विभाग के साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग भी सौंपा गया है, और ये रीवा में एक महत्वपूर्ण
जिम्मेदारी हो उनकी, क्योंकि यहाँ पर श्याम साह मेडिकल कॉलेज के साथ ही चिकित्सा सुविधा बदहाल है। यहाँ पर पठन पाठन के क्षेत्रों की अगर बात करें तो चिकित्सा शिक्षा के बेहतर आयाम जरूर है। आप अगर सतना की बात करें तो सतना में भी मेडिकल कॉलेज को हरी झंडी मिल चुकी है, वहां भी कुछ दिनों बाद मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए एक कॉलेज में, वो भी अभी यहाँ पर शासन नहीं जुटा पाया। हाँ सही है, तो उसके लिए यही कहना है, जैसे कभी कह रहे थे कि कांग्रेस को चाहिए कि विजय लक्ष्मी जी से जो मंत्री हैं संस्कृत और चिकित्सा शिक्षा, तो संस्कृत की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको मालूम है कि एक संस्कृत महाविद्यालय है जी, वो भी एक लौता है और अपने अस्तित्व की आज तलाश कर रहा है कि किस तरह आगे बढ़ाए, तो उसको भी बढ़ाना और चिकित्सा शिक्षा दोनों अपने यहाँ बिन्दी के लिए महत्वपूर्ण ये हैं, जिससे विजय लक्ष्मी साधु जी से कांग्रेस को लगातार उनके उसमें और यहाँ नए तरीके से नए क्रियान्वयन, नए पाठ्यक्रम, नई शिक्षा नीति यहाँ लानी चाहिए। जी बिल्कुल, इसी तरह से अगर महत्वपूर्ण पदों की बात करें तो ज़्यादातर महत्वपूर्ण पद कमलनाथ ने अभी अपने पास ही रखे हैं और निकट भविष्य में वो पद वो विभाग किसी ना किसी मंत्री को या विधायकों को दे सकते हैं। कुछ चुनिंदा अपने पास रखेंगे जबकि कुछ का बंटवारा वो कर सकते हैं। इसमें एक अहम विभाग है जनसंपर्क, जनसंपर्क की चर्चा थी कि जनसंपर्क विभाग जीतू पटवारी को दिया जाएगा, लेकिन विरोध होने के चलते जनसंपर्क विभाग को कमलनाथ ने अपने पास ही रखा है। निकट भविष्य में ऐसी संभावना है कि ये विभाग किसी ना किसी को दिया जाएगा निश्चित तौर पर। लेकिन सबसे जो अगर हम ये कहें कि इस मंत्रिमंडल में जब बंटवारा हुआ तो सबसे पहले यही बात आ रही थी कि जीतू पटवारी जी को जो है जनसंपर्क विभाग दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भाजपा सरकार में जीतू पटवारी जी ने विधानसभा में बड़े बड़े मुद्दे उठाए जनसंपर्क को लेकर, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर था, घोटालों को लेकर था, नियम विरुद्ध चल रहे जो वेबसाइटों के पोर्टल चल रहे हैं उनको भुगतान करने, विज्ञापनों पर बिना नियम के भुगतान करने को लेकर, तो ऐसे में ये लग रहा था कि इन्हें ये विभाग दिया जाएगा और एक तरह से जो एक फर्जीवाड़े का ग्रुप चल रहा है जो प्रदेश में चल रहा है उस पर लगाम लगे, जो करोड़ों रुपए नियम विरुद्ध से भुगतान किए गए हैं उन पर भी जाँच होगी। तो कहीं चूँकि लोकसभा चुनाव है तो सीएम ने शायद ये सोचा, मुख्यमंत्री जी ने, कि अभी ये सब अचानक लाके विवाद खड़ा करना उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अभी ये मंत्रालय अपने पास रखा और शांति बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें राजेंद्र शुक्ल की, राजेंद्र शुक्ल की बात यहाँ पर इसलिए क्योंकि उद्योग मंत्री थे वो भाजपा के शासनकाल में, भाजपा की सरकार में उद्योग मंत्री रहे और वो रीवा के क्षेत्रीय विधायक रहे। उन्होंने बेहतर योजनाएं यहाँ पर लाई और प्रदेश को कई अच्छी योजनाएं दी, जिसी के चलते आज युद्ध उद्योग की नीतियां हैं वो काफी चर्चित हुई है। इस बार कमलनाथ की सरकार में कमलनाथ ने उद्योग विभाग अपने पास रखा है, उद्योग नीति निवेश वो उनके पास है और देखना अहम होगा कि वो विंध्य क्षेत्र के लिए क्या सौगात देते हैं, क्योंकि अगर हम पिछले उस पर जाएं भाजपा के शासनकाल में तो रीवा में सोलर प्लांट लाने की अहम जिम्मेदारी राजेंद्र शुक्ल की थी और उन्होंने यह करके भी दिखाया, रीवा में एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का सोलर प्लांट संचालित हो गया है और इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे उद्योग संबंधित आयाम भी आए। निश्चित तौर पर राजेंद्र शुक्ल जी ने जिस तरह से विंध्य में विकास की धारा बहाई वो कहने की जरूरत नहीं है, वो दिखाई देता है, चाहे वो सड़क हो, ओवरब्रिज हो या कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के तौर पे आप देख लीजिए, गांव-गांव सड़कें बन रही हैं। तो और उद्योग की नीति भी यहाँ एक तरह से कह सकते हैं, पावर जो सौर ऊर्जा प्लांट है रीवा के नाम से, कहीं भी अगर सौर ऊर्जा के प्लांट लेंगे तो उसका नाम आएगा जी। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अच्छी किया, इसीलिए सीएम जी ने जो है कमलनाथ जी ने ये मंत्रालय अभी अपने पास और एक बेहतर जो जिम्मेदारी इसको निभा सके आगे चल के उनको देने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी लाने का चल रहा था और लगभग वो तय भी हो चुका है, रिंग रोडें जो बनी, बाईपास बने, सिर्फ इसी मंशा को लेकर था कि यहाँ पर सड़कों का जाल बिछेगा और उद्योग यहाँ पर स्थापित हो चुकेंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि जब भी कोई उद्योग लगता है
तो परिवहन की एक समस्या उनके सामने होती है। सड़कें अच्छी ना होने के चलते बाहर से उद्योग लगाने वाले यहाँ पर नहीं आते और उनको जो उद्योग लग भी जाते हैं उनको काफ़ी यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और नुकसान भी उठाना पड़ता है। जेपी सीमेंट की अगर बात करें तो जेपी सीमेंट यहाँ पर अपना एक बड़ा उद्योग संचालित कर रहे थे लेकिन उनको किसी ना किसी कारण यहाँ पर क्षति हो रही थी। यही वजह रही कि उनके उद्योग एकदम से नीचे आने चालू हुए और नौमत यहाँ तक की आ गई कि अपने उद्योग बंद करने पड़े और दूसरों को का सहारा लेना पड़ा, अल्ट्राटेक जैसे ग्रुप को उन्हें देना पड़ गया। निश्चित रूप देना पड़ा क्योंकि जो कह सकते हैं आवागमन की सुविधा है, जो ले जाना है मटेरियल लेके जाना है हमको, इसके लिए दिक्कतें होती थी। लेकिन भाजपा सरकार में सबसे बड़ी जो उपलब्धि अगर कह सकते हैं रीवा से सीधी रेलवे लाइन उन्होंने अब जो की है कांग्रेस शासनकाल में पूरी होगी, तो ये सबसे बड़ा था। और इससे जो है आपका चुराहट सीधी ये सभी जुड़ेंगे जेपी का जो बहरहाल जिस तरह से विंध्य क्षेत्र पर भरोसा जताया है कमलनाथ ने, अहम जिम्मेदारी भरे पद यहाँ पर दिए हैं लेकिन कई विधायकों को नजरअंदाज किया है। यहाँ पर एक अच्छी खबर मैं दर्शकों को देना चाहता हूँ, साथ ही विधायकों को जो छूट गए हैं, जिनको अभी जिम्मेदारी नहीं मिली है, कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए हैं, उनको भी यहाँ पर एक अवसर कमलनाथ देने वाले हैं और बहुत जल्द ही उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। इस पर अगर कयास लगाया जाए कि नीलांशु चतुर्वेदी जो कि चित्रकूट से हैं, उनको भी जगह मिलेगी। इसके अलावा शहडोल जिले से विधानसभा में पहुंचे उन्हें भी जगह मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुल 7 विधायक ऐसे हैं जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। इस पे बिसाहू लाल के साथ ये कह सकते हैं कि उनको एक कमजोर मंत्री के तौर पर देखा गया कमलनाथ सरकार में, जबकि वो कैबिनेट मंत्री पिछली सरकारों में रहे हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए था लेकिन अब उनका नाम राज्य मंत्री पर चल रहा है। क्या लगता है सुरेंद्र जी की जिस तरह से अभी एक अवसर फिर उपलब्ध कराया है कमलनाथ ने, राज्य मंत्री 7 लोगों को बनाने वाले हैं? निश्चित तौर पर ये खासकर शहडोल संभाग के लिए बहुत बड़ी बात होगी उधर, क्योंकि विंध्य से इधर अगर सीधी से कमलेश्वर पटेल जी को जगह मिली है तो शहडोल से भी एक जगह मिलनी चाहिए और वो राज्य मंत्री के तौर पर वहाँ सामने आ सकते। इसके अलावा कह सकते हैं विंध्य विकास प्राधिकरण है, निगम मंडल के और अध्यक्ष हैं, उन्हें भी विधायकों को वहाँ भी दिया जाएगा और जिससे वो लोकसभा में एक अच्छी बहुमत के साथ अपने जो सांसद हैं, जो प्रत्याशी हैं लोकसभा में, वो भेज सकें। अगर हम बात करें कमलनाथ सरकार में मंत्रियों की तो 2 मंत्री ऐसे हैं जिनको 15 साल पहले भी वही जिम्मेदारी वाले पद दिए गए हैं, जिस पे आरिफ अकील हैं, जिनको अल्पसंख्यक कल्याण का विभाग सौंपा गया है और 15 साल पूर्व जो जिम्मेदारी उनके पास थी वही जिम्मेदारी फिर दी गई है। ऐसे अगर दूसरे मंत्री की बात करें तो गोविंद सिंह हैं जिन्हें फिर 15 साल बाद वही विभाग पर बैठाया गया है, ये सोच के कि कमलनाथ की सोच काफी अंदर तक है कि वो चाहते हैं कि जिन मंत्रियों को पूर्व में कार्य का अच्छा अनुभव है उनको वही विभाग अगर हम देते हैं तो कार्य समझने में देरी नहीं होगी और जल्दी से स्पीड के साथ वो काम कर सकेंगे। निश्चित ये जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि पूर्व में भी इन्हें मंत्री पद बनाया गया था और ये 15 साल पहले भी थे और फिर से और ऐसे समय में इन्हें क्यों जिम्मेदारी इसलिए दी गई है, कांग्रेस के पास अभी अगर स्पष्ट बहुमत की बात करें तो वो नहीं है, गठबंधन पे है, तो सरकार इन्हें 5 साल चलानी है और ऐसे में उन अनुभवी लोगों को भी रखना बहुत जरूरी है। और ये तो ठीक है पद जो पुराने था उन्हें मिला ही, इन्हें नई जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी जो पुराने लोग हैं। बिल्कुल, जिस तरह से कमलनाथ ने यहाँ पर कमलेश्वर पटेल को सीधी जिले से पंचायत एवं ग्रामीण विकास की अहम जिम्मेदारी दी, हमने जैसा कि दर्शकों को बताया कि पहले भी यहाँ पर 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार में अजय सिंह राहुल भी यहाँ से चुरहट विधानसभा से चुनकर गए थे और उन्हें भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब
उसी जिले से फिर 15 साल बाद कमलेश्वर पटेल के रूप में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री देखा गया, जो कि पूरे प्रदेश में एक माहौल क्रिएट करेगा, माहौल बनाएगा, उसके साथ विभाग के साथ साथ पंचायत के सरपंच और पंच, ग्रामीण, कई तरह की जिम्मेदारियां होंगी। जिम्मेदारियां होंगी और उन जिम्मेदारियों को पूर्ण करना पहली प्राथमिकता है। और जैसा कि कहा आपने कि अजय सिंह राहुल जी को वो पद दिया गया था, तो ये अजय सिंह राहुल जी और कमलेश्वर पटेल पारिवारिक संबंध है इनके, और ऐसे में इस पद को आगे चला लेना प्रदेश में एक मजबूत पकड़ के साथ निश्चित तौर पर चलाएंगे। और राहुल जी का जो पूरा समर्थन है अजय सिंह राहुल जी का, कमलेश्वर पटेल जी के साथ रहेगा, इसलिए ये मान के चलिए कि कहीं भी गड़बड़ी नहीं हुई है, वो एक भरपूर जिम्मेदारी के साथ इस पद पर रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से कमलेश्वर पटेल को यहाँ पर एक जिम्मेदारी दी गई है, अब उन्हें रीवा जिले का प्रभारी मंत्री भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको सतना और सिंगरौली जैसे जिलों की भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। रीवा दर्शन में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए रीवा दर्शन। नमस्कार।